जब आपका 71 का रिजल्ट आएगा। मदन पाल सिंह गौतम, आज जो वकील लोग यहाँ पर आए, क्या मांग है उनकी, किस मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हमारा जनपद बुलंदशहर के वकील, जो भारत सरकार द्वारा एक कानून बनाया CA, NRC और NPR, उसके विरोध में आए हैं। ये कानून यहाँ के मूलवासी SC ST मुस्लिम और OBC समाज के विरुद्ध है। इसी के खिलाफ हमने आज अपना ज्ञापन राष्ट्रपति जी को दिया है, क्योंकि भारत सरकार यहाँ के मूल निवासियों को उखाड़ कर बाहर भेजना चाहती है और जो बाहर के लोग हैं यहाँ बसाना चाहती है। हम एक प्रश्न करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो हमारे भारत के लोग हैं उन्हें तो बाहर भेजना चाह रहे हैं, वो कहाँ रहेंगे? और जो भारत के लोग हैं उन्हें, हमारे बाहर के लोग हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों को, उन्हें कहाँ बसाएंगे? उनको कहाँ जगह देंगे? क्या नौकरी देंगे? क्या कारोबार देंगे? कौन सी जगह उन्हें बसाएंगे? दिल्ली के अंदर बसाएंगे, बम्बई के अंदर बसाएंगे, गुजरात के अंदर बसाएंगे, कलकत्ता में बसाएंगे या बम्बई में बसाएंगे? कहाँ बसाएंगे? कोई जगह है? यहाँ के लोगों को रोज़गार है नहीं, बाहर के लोगों को कहाँ से रोज़गार देंगे? यहाँ के लोगों को आवास है नहीं, कहाँ से आवास देंगे? तो इसके संबंध में हमारा विरोध था। और दूसरा, जो आज पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, मुस्लिमों का कत्लेआम हो रहा है, SC ST का कत्लेआम हो रहा है, OBC का कत्लेआम हो रहा है, ये भारत सरकार इन SC ST OBC मुस्लिम समाज के विरोध में काम कर रही है, मूल्यवासियों को उखाड़ना चाहती है। आगामी भारत सरकार की जो योजना है भाजपा सरकार की, वो ये है कि SC ST OBC मुस्लिम समाज यहाँ से वोट से वंचित हो जाएगा, फिर यहाँ पर एक छत्र उनका एक राज चलेगा। आज तो NRC NPR के माध्यम से ये ख़त्म करना चाहते हैं। जब वोट उनका रजिस्टर में नाम नहीं होगा तो वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। तो बहुत आगामी इनकी दूर की सोच है, उस सोच को खिलाफ हमने ये काम किया है, अपना ज्ञापन दिया है सभी अधिवक्ताओं में। हमारे अधिवक्ता सभी SC ST मुस्लिम समाज के लोग थे, OBC समाज के अधिवक्ता थे, जिन्होंने अपनी मांग के संबंध में राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है। और साथ ही अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम जंतर मंतर पर भी धरना देंगे। आपसे आकर मिले हैं, उन्होंने जो है ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला है सर? इसमें अखिल भारतीय VR अम्बेडकर अधिवक्ता परिषद की तरफ से अधिवक्ता गणाए हुए थे, उन्होंने एक ज्ञापन दिया जिसमें ढेर सारे बिंदु हैं, जिसमें SC ST और OBC मुस्लिमों की हत्याओं का उन्होंने विरोध किया है कि उसमें कानूनी कार्रवाई की जाए, दोषियों को सख्त सजा दी जाए। उसमें CA के संबंध में उनका वो है, NPR के संबंध में है। इसके अलावा जो विभिन्न माननीय न्यायालय हैं उनमें भी SC ST के लोगों की माननीय जज के रूप में नियुक्ति के संबंध में है। ये लगभग 14-15 बिंदु है इनका ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रसिद्ध किया।